तो आज आई है मेरी पहली सैलरी और मैं प्रिंस को देने वाली हूँ ये रोज़ और ये दिल वाली चॉकलेट। तो उसे मैं अभी बुलाऊंगी, उसको पता नहीं एक्चुअली। और मैंने उसके लिए ये सारे मिठाइयाँ भी खरीद कर लेकर आई हूँ। एक्चुअली वो ये मिठाइयाँ वही ख़रीदा है, तो हम दो लोग हैं इसलिए बस इतनी क्वांटिटी में मिठाइयाँ खरीद ली है। तो मैंने बोला हमें आज पहली सैलरी आई है ना, इसलिए हम भगवान को मिठाई चढ़ाएंगे, बट इस चॉकलेट के बारे में उसे पता नहीं है। तो मैं इस फ्लावर और इस चॉकलेट से उसको आज मैं करने वाली हूँ प्रपोज़। तो देखिए मैं उसको कैसे प्रपोज़ करती हूँ। तो मैं अभी पीयूष को लगाने वाली हूँ आवाज़ और वो अभी आएगा। मैंने उसको बोला मेरी पहली सैलरी से तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया। उसने बोला क्या लेकर आए, क्या पैसे बर्बाद करके आए। तो उसको पता नहीं कि मैं उसको बस 20 रुपीज़ का चॉकलेट देने वाली हूँ। ठीक है, मैं बुलाती हूँ, देखती हूँ। जानू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमारे बीच में एक हमें साथ ही है। हाय करो, मेरी मैरी में। क्यों? अब कितने बार करेगी? आई लव यू। सॉरी, मुझे मैंने गलत डायलॉग बोल दिया, मुझे आई लव यू बोला था। आई लव यू कैसे कैसे ऐसे बोलते हैं क्या? आज होना फिर से मैंने कभी ऐसे किसी को प्रपोज नहीं किया। कैसे करते हैं जल्दी बताओ ना। आज उसको क्या पता, हम भी सुनते हैं। तुम एक बार आओ तो सही। तो मैं इसको ऐसे, ओ हो हो, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसको कैसे प्रपोज करने वाली हूँ। सर मैं इसको आई लव यू बोलने वाली हूँ। आई लव यू काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं बोल रही हूँ, क्योंकि छुट्टी के आने के बाद हमें कोई मौका नहीं मिला आई लव यू बोलने का, क्योंकि ये बीच में जो रहती है ना हम लोगों का इतना काम, और अभी मैं जॉब के चक्कर में मैं बहुत काफ़ी बिजी रहती हूँ। मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ और 10 ईयर्स हुए हैं ऑफिस से आके, मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया है। फर्स्ट मैं इसको आई लव यू बोल देती हूँ, प्रपोज कर देती हूँ, उसके बाद में कुछ ना। तो मैंने इसको कर दिया प्रपोज और इसने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखते हैं, मेरी फर्स्ट सैलरी में तो मैंने इसे ये दे दिया है। ये मिठाइयाँ भी खा लो। हाय करो, हाय करो। अच्छा, तो मैंने दिया इसको, बट खा रहा है कौन? ऐसा ही होता है। अगर जिन्होंने जिनकी भी अभी नई नई शादी हुई है ना, उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अगर वो बच्चे का प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले पूरी अच्छे से उनको अपने लाइफ को इन्जॉय करना चाहिए, देख बच्चे का प्लान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे आने के बाद ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप लोगों को, आप दोनों मतलब बच्चों में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो एक दूसरे को टाइम नहीं मिल पाता है। यही जैसे कि हम दोनों को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और कुछ है करो, थैंक यू बोलो। से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी कर बाय। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नेक्स्ट जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।